हाय, आई एम अदिति एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर YouTube व्लॉग। तो मैंने सोचा यार, पहाड़ों से ज्यादा सुंदर चीज और क्या हो सकती है कैप्चर करने के लिए। ऑफ कोर्स हर ट्रिप की तरह हमारी भी शुरुआत हुई एक ब्यूटीफुल से सनराइज से, पहाड़ों से और बस में गाने गाते हुए। उसके बाद हमने खेला एक गेम, एज यू कैन सी। पहाड़ों और नदियों के साथ साथ हमको दिखी जेसीबी की खुदाई, जहाँ पर हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हमको वहां से पैदल ही होमस्टे तक जाना पड़ा यार। बट द व्यू वॉज वर्थ इट। इतना सुंदर व्यू हो रखा था, इतने सुंदर पहाड़। पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी टेंशन हो, जैसे ही आप पहाड़ों पर आते हो ना यार, सब गायब हो जाता है। सिर्फ बचती है शांति और सुकून। एंड ऑफ कोर्स दिस इज मी। होमस्टे पर पहुंचते ही हम लोगों ने अपने बैग्स रखे, फ्रेशन अप हुए और निकल गए एक बहुत सुंदर सीक्रेट वाटरफॉल के ट्रैक पर। लेट मी शो यू। इट्स अ सीक्रेट वाटरफॉल जो तीर्थन में है। गाइस, धीरे धीरे चल के हम जा रहे हैं। हमें जाना है वहाँ तक, नहीं एक्चुअली हमें जाना है और नीचे सीक्रेट वाटरफॉल तक। हमें जाना है यहाँ। गाइस, इतनी प्यारी जगह आ गए हैं अभी हम। मैं आपको दिखाती हूँ इन 5 4 3 2 1। यार ये वाटरफॉल इतना सुंदर लग रहा था ना, बट ऑफकोर्स आई एम अ नूब, तो मैंने सारे शॉट्स अपने फ़ोन से यू नो वर्टिकली ले लिए, हॉरिजॉन्टली नहीं लिए, बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं करा था कि ये व्लॉग में जाने वाला है और आपको अब सारे शॉट्स ऐसे ही इन्जॉय करने पड़ेंगे। सॉरी। सो दिस इज़ डे 2 एंड मॉर्निंग व्यू आप देख ही सकते हो यार, इतना प्यारा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फुल ऑन कानों में ठंड लग रही है, बट बहुत ही सुंदर व्यू था। गाइस देखो, सुबह सुबह हम उठ चुके हैं, ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट लग चुका है। मस्त व्यू हो रहा है, मेरे पीछे दिख रहा है। आज हमने खाया एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ब्रेकफास्ट, सिड्डू, और ये हिमाचल में बहुत ज्यादा फेमस है। मेरा ब्रेकफास्ट सबसे पहले ख़त्म हो गया था, तो हम लोग चले गए फोटोशूट करने नदी के किनारे। और क्या पिक्चर्स यार, क्या वाइब थी वहाँ पर। बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स आई हैं जो कि मैंने अपलोड नहीं करी हैं, बट ऑफ कोर्स ट्रिप पर आए और पिक्चर्स ना लो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जलोरी पास का ट्रैक। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ठंडा। ठंडा तो बहुत ज्यादा, इसलिए हमने ये कैप ली है। तुम भी ले लो ना एक कैप। या मफलर है, कर लूंगा कुछ इससे कुछ काम। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? मेरा सेकंड टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार आया हूं। उम्मीद थी कि स्नो मिलेगा मुझे। ऊपर मिलेगी? ऊपर? यस, ऊपर हमें स्नो मिलेगी गाइस। हम ये होपफुल है, होपफुली। लेट्स गो। स्नो के कुछ कुछ वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट कर चुका है और अभी ये पूरा व्यू है गाइस। साइड में पूरा जंगल है, पीछे थोड़े से लोग आ रहे हैं, मेरे आगे थोड़े से लोग हैं। मैंने ये यहीं से खरीद लिया क्योंकि कानों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और कैप मैं पहनती नहीं हूँ,
दिस इज द बेस्ट थिंग. कलरफुल था तो अच्छा लग रहा है. वाइट चेक पास. बाकी नाक में बहुत ठंड लग रही है यार, बस एकदम ठंडी ठंडी हवा जा रही है नाक में, बहुत ठंडा लग रहा है. बट ठीक है, अभी तो मैं सेकेंड टाइम है, मैंने एक बार ट्रैक कर चुका है जलौरी पास का सरोसर लेक तक, बट आई गेस इस बार मैं सिर्फ 360 डिग्री तक ही करूँगी बिकॉज मेरे पैर में चोट लगी है. और अभी डे थ्री भी हमें पूरा घूमना है तो पैर टूटना नहीं चाहिए. गाड़ी आ रही है मेरे पीछे. धूल कर दी भाई. ऑल्टो भाई सही है यार, कहीं भी चढ़ जाती है, छोटी गाड़ी बेस्ट है. दिस इज द स्पेस जहाँ से हम जा रहे हैं. हमें नीचे जाना है पर हम थोड़ा सा यहाँ. कैसा रहा हमारा यहाँ तक का सफर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. देख रहे हो क्या एडवेंचर कर रहे हैं, वहाँ से फिसलते हुए नीचे आया हूँ. बट सही है, यहाँ पे पेड़ों में बड़े और निशान मार रखे हैं ताकि कोई खोए ना. मतलब वैसे इधर भी जाने का ही रास्ता है, इधर भी है. भाई अभी भूख लग रही है, हमने आधे से ज्यादा ट्रैक खत्म कर दिया है. हमें बैग में मिला है ये miracle. अभी हमसे शेयर करने वाले हैं गाइस. सबसे आगे तो नहीं चल रहे हैं, मैं ऐसा झूठ तो नहीं बोलूंगी मैं. बट सही है, अब ये थोड़ा सा चुभ रहा है, वैसे बढ़िया एकदम कानों में बिल्कुल ठंडी लगेगी. आपको लगता है एक दो चीज़ें घर के लिए भी ले जानी पड़ेगी सुबह न लेके. यार मेरे को घर दिख गया शोजा वाला जहाँ मुझे जाना था, और अब आई गेस जैन एंड में मैं आऊँगी वहाँ पे. होपफुली तब तक बर्फ़ गिर चुकी हो, अभी तो कुछ बर्फ़ नहीं गिर रखे यहाँ पे. बहुत ठंडा है, जैसे पहले था वैसे ही था, जैसे 2021 में मैंने करा था सेम वैसा ही है. अभी सरसल 2 किलोमीटर्स और बचा है. मेरे को लगा नहीं था इतना मैं ट्रैक कर पाऊँगी क्योंकि मेरा पैर टूटा हुआ है, बट ठीक है अच्छा खासा चल गया है. वापस आने में अब देखते हैं क्या सीन रहेगा. अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब. यहाँ से हमने ले लिया है, नहीं नहीं कैश देना पड़ेगा. यहाँ से हमने चॉकलेट्स ले लिए हैं, चॉकलेट के डब्बों में आपको ये भी मिलेगा. थोड़े से शॉपे यहाँ से. अभी हमने मंच खाई है, अभी हम बारवन खा रहे हैं और व्यू देखो गाइस. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे. सारे पैसे जो है व्यू के ही है, व्यू बहुत प्यारा सा है. किसी का तो कॉल आ रहा है मुझे. इन 3 2 1 As you can see, I'm a mountain baby. I love trekking, hiking, पहाड़ों पर टाइम स्पेंड करना. जब भी टाइम मिलता है मैं निकल जाती हूँ बस पहाड़ों पे रहने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. तो यस, बाकी यार ट्रैक करके बहुत अच्छा लगा. इतने टाइम बाद मैंने ट्रैक करा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. और इस सनसेट देखने के बाद तो यार दिन बन गया था. इट वॉज लाइक चेरी ऑन द टॉप, मतलब चार चांद लगा दिए इसने ट्रिप पर. जितना ये फ़ोन में सुंदर दिख रहा है आपको, शायद उससे 100 times बेटर ये रियलिटी में मेरे को. भाई आज हम आए हैं जीबी में मिनी थाईलैंड देखने, और ये हमारा लास्ट डे है. और लाइक ऑलवेज हर ट्रिप पे मैं कुछ ना कुछ छोड़ कर आती हूँ, भूल कर आती हूँ. इस ट्रिप पे मैंने अपनी रिंग घुमा चुकी है, मतलब कल बॉनफायर में गिर गई थी, वो जल गई है पूरी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अभी हम मिनी थाईलैंड एक्सप्लोर करने आए हैं, इसके बाद हम जाएंगे जीबी वाटरफॉल. और ठीक है यार, बढ़िया है, मतलब एक बार आ जाओ देखने. बाकी भाई
ठंडा तो हो गया बहुत, बट ठीक है सह लेंगे थोड़ा। ओह नाइस, इट्स अ नाइस व्यू, लेट मी शो यू। हाय, इट वाज आवर लास्ट डे इन जेबी, बट ऑफ कोर्स आई एम गोना रिमेंबर दिस ट्रिप फॉरएवर एज आई शॉट माय फर्स्ट व्लॉग हियर। दूसरी चीज़, हम काफ़ी नए नए लोगों से मिले, काफ़ी ज़्यादा हमने मस्ती करी, नई नई चीज़ें ट्राई करी एंड अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करा स्ट्रेंजर्स के साथ जो बाद में दोस्त बन ही गए थे। इतने ज़्यादा यम पैनकेक मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाए हैं। कॉफ़ी और पैनकेक सच में बहुत ज़्यादा यमी थे यार। मैं इनका IG हैंडल नीचे टैग कर दूंगी ताकि आप जब भी जाओ डू विजिट दिस प्लेस बिकॉज इट हैज़ सम अमेजिंग फूड एंड अमेजिंग व्यू ऑफ कोर्स। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से चढ़ के और यहाँ बैठ जाऊँ, मतलब बाहर तो बहुत ठंड हो रही है और अभी यही एक ऑप्शन है मेरे पास। बड़े कैफे बहुत अच्छे लगे।